अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं थोड़ा सा सिटी का टूर करता हूँ और आपको भी टूर कराता हूँ, ये साथ साथ थोड़ा सा आप घूम लें, मेरे साथ शहर का नज़ारा कर लें और हम आपको साथ ये भी दिखाते हैं कि आज मंडे हैं, दिन के 4 बजने वाले तकरीबन, लेकिन सब कुछ यहाँ बंद है, लॉकडाउन है और वैक्सीन तो यहाँ स्टार्ट हो चुका है लेकिन कोरोना केसेस में अभी भी इतनी कमी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो रहा है और हम देखते हैं आपको कहाँ तक ले जा सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, ये साथ ही आगे माउंट जो स्क्वायर पार्क है डबलिन में और यहाँ ये बस स्टॉप है, यहाँ से 7 नंबर और 7A और 7B बस यहाँ से चलती है डबलिन की। पार्क अभी बंद हो गया है, पार्क का डोर जो नज़र आ रहा है बंद है, अंदर तो लोग घूम रहे हैं। ये अभी 7 नंबर बस जा रही है, आप देख सकते हैं, मैं पहले जहाँ काम करता था इस बस में जाता था। ट्रैफिक तो रवां दवा है लेकिन लॉकडाउन यहाँ इतना स्ट्रिक्ट है कि आप एक शहर से दूसरे शहर भी नहीं जा सकते हैं और ये है कॉर्नर स्ट्रीट पे हूँ मैं, अभी आपको आगे जाके थोड़ा सा इधर का नज़ारा कराता हूँ और आप मेरे साथ चलते जाएं और देखते जाएं कि हम आगे आपको क्या क्या दिखाते हैं। ट्रांसपोर्ट अभी यहाँ चल रही है लेकिन लॉकडाउन की वजह से मार्केट वगैरह सब कुछ बंद है ना, तो चलिए आगे जाके देखते हैं। हाँ भाई, अभी मैं कॉर्नर स्ट्रीट पे जा रहा हूँ, अभी पहले की तरह तो यहाँ अभी ट्रैफिक नहीं है जैसे पहले होता था लेकिन फिर भी ट्रैफिक काफ़ी चल रहा है मामूल के मुताबिक, तो अभी सड़क क्रॉस करते हैं तो आपको साथ साथ दिखाते भी जाते हैं कि यहाँ पे अभी क्या माहौल चल रहा है। ये अभी सब शॉप्स साथ मार्केट्स वगैरह सब कुछ बंद है और रेस्टोरेंट भी बंद है लेकिन यहाँ पे जो अभी लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन है वो पहली दफ़ा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हैं। पहली दफ़ा तो जब यहाँ लॉकडाउन लगा था उसमें आप एक शहर से दूसरे शहर जा सकते थे लेकिन इस दफ़ा उससे भी स्ट्रिक्ट, इवन कि आप मेट्रो सिटी के अंदर भी एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा लेटर वगैरह कुछ प्रूफ होना चाहिए कि आप किससे मिलने जा रहे हो, क्यों जा रहे हैं, कुछ इमरजेंसी है या वैसे ही जा रहे हैं। तो ये
आप साथ साथ देखते जाए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डबलिन का मेन सिटी का जो मेन बाज़ार है, ये वो है, इसको कॉर्नर स्ट्रीट बोलते हैं। और जैसे कि आप सब साथ साथ देख भी रहे हैं, ये जो मेन जो वो इसके अंदर जो पोल नज़र आ रहे हैं, इसको यहाँ स्पायर बोलते हैं। अगर आप नेट पे भी सर्च करें डबलिन स्पायर, तो मेन सिटी के अंदर, क्योंकि ये ही सिटी का जो सेंटर है, इसी को डबलिन सिटी सेंटर बोलते हैं। और अभी तो यहाँ कुछ रश नहीं है जैसे पहले होता था। आप तो यहाँ इस टाइम पे मतलब गुजर भी नहीं सकते थे। तो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बिल्कुल यूके की तरह है तकरीबन, क्योंकि यूके ने यहाँ गवर्नमेंट रूल किया है, तो उनका ये आर्किटेक्ट हैं। ये अभी मैं आपको एक क्लियर सा नज़ारा करा देता हूँ स्क्वायर का, ताकि आपको सही से नज़र भी आ जाए। ये जो ऊपर की तरफ अभी आपको मैं कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, ये जो पोल है इसको स्पायर बोलते हैं। ये डबलिन सिटी सेंटर के अंदर लगा हुआ है। अभी मैं आपको हेनरी स्ट्रीट की तरफ लेके जाता हूँ। ये साथ ही पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है। ये हेनरी स्ट्रीट है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सब शॉप्स वगैरह बंद है। तो पहले की तरह मतलब कुछ भी नहीं एक्टिविटी हो रही है, जैसे तकरीबन आप देख सकते हैं। हाँ, लोग तो आए, वैसे घरों में लोग जैसे तंग हो जाते हैं, थोड़ा सा वॉक के लिए बाहर निकले और कुछ जो खाने पीने की अशिया है वहाँ पे आते हैं, कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं अपने खाने पीने की शॉपिंग के लिए। और कुछ एक आध छोटी मोटी कुछ शॉप वगैरह खुली है, लेकिन मोस्टली बिजनेस जो है वो क्लोज है। हम मोबाइल शॉप खुली है, तो उस टाइप का शॉप खुले जिसमें आप कोई जहाँ पे रश नहीं लग सकता, वो बिजनेस खुले हुए हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ रश बहुत होता है जिस मार्केट में, उसको क्लोज किए हुए, जैसे कि क्लोदिंग शॉप में तो यहाँ लाइनें लग जाती हैं, वो सब कुछ बंद है। ये फ्रूट की मंडी है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मोर स्ट्रीट। और मैं जब पहले रेस्टोरेंट में काम करता था, मैं यहाँ सिटी सेंटर काफ़ी आता था, लेकिन टाइम स्पेंड करने के लिए जब काम से ब्रेक होता था, तो अभी तो मेरा इतना यहाँ आना जाना नहीं है। लेकिन अभी लॉकडाउन है जिसकी वजह से घर में तंग हो जाते, थोड़ा सा बाहर निकल आते सिटी में घूम फिर वगैरह दिया। तो ये देख सकते हैं सब बड़ी बड़ी शॉप्स वगैरह बंद है, बिल्कुल सिटी वीरान। अभी समर शुरू होने वाला, ठंड दिन थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो गया, लेकिन पहले यहाँ पे इसकी वजह से, विंटर की वजह से मतलब दिन बहुत छोटा होता था, दिन में 4 बजे से ही अंधेरा हो जाता था। अभी तो 5 के करीब है, 5 बजने वाले, तो अभी भी रोशनी है, लेकिन ठंड अभी भी काफ़ी है, जिसकी वजह से आपको ये ऊपर स्ट्रीट है। मैं भी आपको साथ साथ दिखा भी रहा हूँ, ये साथ साथ आप देखते जा रहे हैं कि सब मार्केट्स वगैरह बंद हैं और कुछ भी ओपन नहीं है। तो
चलते आगे कुछ देखते हैं। मैंने यहाँ कुछ ख़रीदा है वो भी देख लेता हूँ और आपको भी थोड़ा सा सिटी का टूर करा रहा हूँ। आप भी इसको एंजॉय करें और साथ साथ आप अपनी डबलन में जो जगह देखनी हो डबलन के बारे में आयरलैंड के बारे में किसी चीज़ की भी अगर आपको मालूम चाहिए हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको उसका जवाब दूंगा। और आप अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा क्योंकि कि यहाँ काम के बारे में स्टूडेंट के बारे में जिस किसी को भी किसी चीज़ के बारे में यहाँ मालूम चाहिए तो मैं ज़रूर उसको दूंगा। अगर पाकिस्तान से कोई यहाँ आना चाहता है क्या हिसाब है स्टूडेंट पे आना चाहता है किस तरह आ सकता है और किस तरह नहीं आ सकता है। और बाकी आप मेरे साथ साथ ये पीछे साथ साथ शॉप्स भी देख सकते हैं कि सब कुछ बंद है, पहले जैसी वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो ये देख रहे हैं साथ साथ देख रहे हैं शॉप्स वगैरह बंद है। और आज का हमारा यही तक था, आज तो हमने थोड़ा सा ब्लॉग किया है, किसी टॉपिक पे बात इतनी खास नहीं की, हमने आपको एक किस्म का डबलिन शहर थोड़ा सा घुमा दिया। तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।